स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था, प्रूफ किया था, तो उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे अभी इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में भी किए थे और इस वीडियो में उससे आगे हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा और जीरो है, और दूसरा कोऑर्डिनेट बी है जिसका दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट जीरो है और ए साइन थीटा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करना है। तो आप डायग्राम बना लीजिए, ए ये हो गया ए कॉस थीटा और जीरो, और दूसरा पॉइंट है जीरो और ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ए हो गया आपका ए कॉस थीटा और ये हो गया जीरो, यहाँ हो गया x2 y2, तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा a साइन थीटा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे by distance formula। अब ये distance formula लगाएंगे तो a और b है तो इसके बीच की distance ab कहलाएगी, और यहाँ हम formula को लिखेंगे पहले और उसके बाद उसको solve करेंगे। तो ab यहाँ हो जाएगा x1, तो x1 हमारा हो गया a cos थीटा और x2 हो गया 0, तो ये 0 का स्क्वायर, आप यहाँ आ जाइए। फिर y1 यहाँ है 0 और y2 है a sin थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी, यहाँ हमें मिलेगा a cos थीटा ओनली, ठीक है ना, क्योंकि इससे 0 जाएगा तो बस यही रह जाएगा। तो a cos थीटा का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ मिलने वाला है हमको माइनस ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ये होल स्क्वायर है ना, तो ए का भी स्क्वायर होगा और साथ साथ कॉस का भी स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे सिंस हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन आता है, तो स्टूडेंट आपका ये जो वैल्यू आएगा ए स्क्वायर और ये पूरे के लिए वन। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर का वैल्यू ओनली ए, ओनली ए यूनिट। अभी स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू बतानी है, और इफ द डिस्टेंस बिटवीन एच थ्री एंड फोर फाइव इज रूट फाइव, यानी कि यहाँ पर हमें दो पॉइंट है, पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ, तो आप मान लो ए को, मान लो ए को ये जो पॉइंट है उसको ये मान लो एच थ्री, और जो दूसरा है पॉइंट उसको मान लो बी, वो हो गया फोर और फाइव, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा ए एच थ्री और ये जो b हो गया वो हो जाएगा 4 और 5, और इनके बीच का डिस्टेंस रूट फाइव गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस रूट फाइव आपका गिवन है। तो x1 y1 तो ये हो जाएगा h और ये 3, यहाँ x2 y2 यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ लिखेंगे by डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट ए और बी है तो इनके बीच की डिस्टेंस ए बी कहलाएगी। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला पुट करोगे, फॉर्मूला पुट करने के बाद सारी वैल्यू वहां रिप्लेस करेंगे, ये ए बी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर रूट फाइव अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू, तो एच माइनस फोर, एच माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 3 माइनस फाइव का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप याद रखिएगा कि इस तरफ भी रूट हो और इस तरफ भी रूट हो तो ये दोनों रूट आपस में कैंसिल, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी b हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ 5 और यहाँ मिल जाएगा हमें h माइनस फोर के होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस टू के स्क्वायर। तो 5 का 5, ये h माइनस फोर का होल स्क्वायर, ये ओनली 4, 4 को इधर भेज दीजिए, 5 माइनस फोर और ये h माइनस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इधर आते हैं, हम लोग देखते हैं h माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से जैसे ही होल स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस और दूसरी तरफ रूट अंडर हो जाएगा, तो h माइनस फोर इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट अंडर 1, तो इसका मतलब वेन, इसका मतलब हो गया कि h माइनस फोर जब 1 के बराबर हो, और यहाँ लिखेंगे वेन h माइनस फोर जब माइनस 1 के बराबर हो,
जब ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 5 और जब ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 3। हेंसे इस तरह से h की जो वैल्यू आती है वो 5 और 3 आती है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए, तो अ लाइन इज ऑफ लेंथ 5, वन एंड इज एट द पॉइंट। एक लाइन है, ये है इसकी लेंथ टोटल है 5, इसका एक एंड मैं मान लेता हूँ a, वो है 1-2, और इसका दूसरा एंड मैं मान लेता हूँ b, उसका क्या, उसका एब्सिसा दे दिया 4, उसका एब्सिसा दे दिया 4, और प्रूव दैट द ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6, यानी कि ऑर्डिनेट इसके बाद वाला जो वैल्यू होगा ये, इसको मैं y मान लेता हूँ, ये प्रूव करना है ना, y हमको ये प्रूव करना है कि y जो होगा वो 2 होगा या -6 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे भाई, a हमारा, हमने a माना है 1-2 को, और b माना है 4 और y को, वेयर वी हैव सपोज्ड, जहां हम लोगों ने माना है वी हैव सपोज्ड द ऑर्डिनेट हमने कितना माना है y। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ देखिए x1 y1, ये हो जाएगा 1, ये -2, ये हो गया आपका x2 y2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा y। अब यहाँ लिखेंगे by distance formula, by distance formula, तो ये a और b के बीच का डिस्टेंस x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस है 5। अब यहां देख लीजिए x1 1-4, सारी वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा -2 - y के होल स्क्वायर, राइट, -2 - y का होल स्क्वायर हो गया आपका वो। अब इसमें ये देखेंगे कि इधर इस तरफ स्क्वायर है ना, याद रखेंगे कि रूट ए इक्वल टू अगर 2 है तो ए इक्वल टू 2 के पावर 2, ये रूट दूसरी तरफ स्क्वायर बन जाएगा, तो ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, और यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -2 - y के स्क्वायर, राइट, ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -2 - y के स्क्वायर, फिर ये 9 इधर जाएगा तो 25 - 9, और यहाँ हो जाएगा -2 - y का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि ये 16 इक्वल टू -2 - y का होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस और रूट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -2 - y, तो -2 - y का वैल्यू +-4। तो अब यहाँ लिखेंगे वेन -2 - y = 4, फिर यहाँ लिखेंगे -2 - y = -4। तो अब इसको इस तरह भेज दिया जाए, तो इस तरह भेजेंगे तो क्या आंसर आने वाला है, -y = 4+2, तो y = -6। अब यहाँ पर इसको -y = -4+2, तो -y = -2, -- कैंसिल, y की वैल्यू 2, तो इस तरह से y की वैल्यू 2 आती है और ये -6 आती है, और यही हमें प्रूफ भी करना था स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हम लोगों ने ये बेसिक चीजें जो है डिस्टेंस फार्मूला पर सीखा है, तो अब जो है ना डिस्टेंस फार्मूला के और भी बहुत सारे यूज हैं, और इस पर बहुत सारे डिफरेंट जो है ना वेरियस प्रॉब्लम आपको मिलेंगे जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।